प्रियंका चोपड़ा हाल में ही भारत में आई हैं, जहां जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया। बता दें कि प्रियंका जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन हैं, इसलिए भारत में आकर के उन्हें इस इवेंट में हिस्सा लेना ही पड़ा था। लेकिन इस बीच में प्रियंका की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। ट्रोलिंग इस वजह से कि प्रियंका चोपड़ा परिणीति चोपड़ा की शादी में नहीं पहुंची थी। ऐसे में लोगों ने उन्हें ट्रोल करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि प्रियंका के पास इवेंट में आने के लिए तो वक्त है, लेकिन अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसको लेकर के प्रियंका चोपड़ा की जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हुई, तो वही लंबे वक्त बाद क्योंकि प्रियंका भारत में वापस लौटी हैं, ऐसे में लेकर उनके फैंस भी काफी खुश हैं। बता दें यहाँ पर प्रियंका एक फिल्म को साइन भी कर सकती हैं, जो कि फरहान अख्तर के साथ होगी। जीले जरा, जो कि काफी लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ी हुई है, इस फिल्म को साइन भी प्रियंका चोपड़ा कर सकती हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर के कई और कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा की प्रॉपर्टीज के बारे में। जी हाँ, प्रियंका जब से भारत में आई है तब से कई खुलासे प्रियंका पर हो रहे हैं, कई किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कितने करोड़ रुपए की मालकिन है। इससे पहले बता दें कि ना केवल प्रियंका चोपड़ा की भारत में प्रॉपर्टीज है, बल्कि प्रियंका क्योंकि अमेरिका में रहती हैं और हॉलीवुड में भी अब उन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया है, ऐसे में प्रियंका की प्रॉपर्टी विदेशों तक फैली हुई है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर प्रॉपर्टीज के मामले में प्रियंका किस लेवल पर आकर टिकती हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिसका खुलासा एक मैगजीन में भी किया गया था। उन्हें दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में चुना गया था। वो बॉलीवुड फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा भी लेती हैं, तो वहीं हॉलीवुड वेब सीरीज के एक एपिसोड के लिए 2 करोड़ रुपए लेती हैं। वहीं इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक एड के लिए 5 करोड़ से ज्यादा की फीस लेती हैं। अब बात करते हैं प्रियंका के नेटवर्थ के बारे में। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्मों में, एड्स में और कई इवेंट्स में भी खूब कमाई की है। प्रियंका की नेटवर्थ 620 करोड़ रुपए की बताई जाती है। वहीं हर महीने 1.5 करोड़ रुपए प्रियंका अपने बिजनेस से भी कमाती हैं। बता दें कि प्रियंका के पास अमेरिका में 238 करोड़ रुपए का घर भी है। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 2 आलीशान घर हैं, जिसकी कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा गोवा में बागा बीच के पास भी उनकी प्रॉपर्टीज है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए की है। प्रियंका चोपड़ा के पास एक प्राइवेट जेट भी है। इसका इस्तेमाल करके वो अमेरिका, लंदन, भारत के बीच ट्रेवल कर सकती हैं। प्रियंका 2.5 करोड़ रुपए में रोल्स रॉयल लग्जरी कार खरीदने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं। उनके पास 1.1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज भी है। इसके अलावा कई और गाड़ियां प्रियंका चोपड़ा के पास है, वो गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं जो अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं की गई।